हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टेक्निक पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को कैसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ़ोन में जब भी कुछ काम करेंगे तो आपको आपके फ़ोन के स्टेटस बार में इंटरनेट का स्पीड भी दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन में किस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर ये चीज़ें आपको पहले से नहीं आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप ध्यान दीजिएगा, मेरे फ़ोन के स्टेटस बार में आपको इंटरनेट का स्पीड नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी हमारा ऑफ है। तो चलिए इसे हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। और सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार का। आप तब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। आप देख सकते हैं अभी हमारा ऑफ है, इसे हम ऑन कर देते हैं और वापस आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। और अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे फ़ोन के स्टेटस बार में यानी कि स्क्रीन के ऊपर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा नेट का स्पीड, जो कि अभी है हमारा 0.31 KB/s। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर सकते हैं और अपने स्टेटस बार में डाटा स्पीड को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।